परसोडी बाजार की स्थिति कृषि उत्पादन बाजार समिति के उदासीन रवैये को साफ जाहिर करता है। पूरे परसोडी बाजार में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्राहक से लेकर दुकानदार तक इस गंदगी के बीच दुकानदारी करने को विवश हैं। स्थिति ऐसी है कि बाजार समिति में किसी तरह का कोई पानी निकासी का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। सड़कों पर ही शौचालय का पानी बहता है, जो कि कई बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इतने बड़े बाजार में पानी की कोई सुविधा नहीं है, एक भी सरकारी चापाकल नहीं है, घर से लोगों को पानी लेकर आना पड़ता है। इतना ही नहीं, बाजार को लावारिस हालत में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। वैसे तो परसुडी बाजार कृषि उत्पादन बाजार समिति के अधीन है, जहां दुकानदारों से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जी बेचने वाले किसानों से महसूल कृषि बाजार समिति द्वारा ली जाती है, पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। इस पर परसुडी बाजार के अंदर दुकानों के भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, खंडर अवस्था में तब्दील हो चुके हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दुकानदारों के साथ साथ ग्राहक की जान भी जा सकती है। पर इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद कृषि उत्पादन बाजार समिति को कोई मतलब नहीं है। दुकानदारों के साथ साथ बाजार में आने वाले किसानों और ग्राहकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। विभाग के उदासीन रवैये से नाराज स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठन के लोग अब गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं। स्थिति को विकराल होता देख स्थानीय लोग बहुत जल्द पुनः जिला प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने की मांग करेंगे, अन्यथा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बाजार में विगत करीब 10 साल से करीब हो रहा है ऐसा कि यहाँ की पूरे बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। ना किसी तरह का कोई मरम्मती का कार्य होता है, ना यहाँ पानी निकासी का कोई साधन है। शौचालय के गंदे पानी रोड में बहते हैं, बरसात के पानी जो जमा होते हैं वो निकासी का कोई रास्ता नहीं है। बाजार जब तक यहाँ दुर्घटना घटती रहती है, यही है ये ग्रामीण मार्केट। ग्रामीण मार्केट में बहुत सारे गांव से यहाँ पे आते हैं, सब्जी खरीदने सामान खरीदने आते हैं, आए दिन दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। इसका कारण है ये जर्जर भवन। जर्जर भवन के कारण ये जर्जर भवन के नीचे बहुत सारे किसान जो हैं या छोटे मोटे सामान बेचने वाले वो दुकान के नीचे छज्जे के नीचे बैठते हैं। आए दिन ये छज्जा गिरता रहता है, वो जख्मी होते हैं। इसके लिए कि हम लोगों ने बहुत बार मैंने प्रशासन से लेकर बाजार समिति सचिव को बहुत बार हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन वगैरह दिया है, मगर अभी तक इसके बाद विषय में कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इससे बस अब हम लोग यही चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द यहाँ की मरम्मती और साफ़ सफाई की व्यवस्था हो जाए, ताकि कई सारी बीमारियों से हम लोग बचे रह सकें, ताकि जो ग्रामीण यहाँ सब्जी भाजी ये खरीदने आते हैं वो भी सुरक्षित रहें। एक तरफ सरकार के द्वारा हर विभाग को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया जा रहा है, पर परसुडी बाजार का हाल विभाग की लापरवाही को साफ दर्शाता है। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द लोग दुर्घटना के शिकार होंगे और उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ कृषि उत्पादन बाजार समिति की होगी। जमशेदपुर से न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।